अल्लाम डियर स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए तो आज की इस वीडियो में इनशाला हम लोग बात करेंगे अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में इससे पहले भी हम लोग जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से जो है वो सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं ठीक है उन वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रॉपर आप लोगों को जो है वो पेपर्स बताए हुए हैं ठीक है आप लोगों ने अगर वो वीडियोज़ देखनी है तो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कलेक्टिवली जो है वो ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में जो है वो बात करेंगे आप लोगों ने जो है वो किस किस सब्जेक्ट में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ठीक है वो कौन से ऐसे डू एंड डोंट्स हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है ठीक है so, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लोगों की तो तरफ से इनाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है सेकेंड थिंगज़ डैट आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट मिस ना हो ठीक है सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करते हैं अबाउट इंग्लिश इंग्लिश है आप लोगों के पास एक ऐसा आर्ट्स का सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स उठाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के पॉइंट्स बताऊंगा जिनको यूज़ करते हुए आप लोग इंग्लिश में अच्छा खासा स्क्योर कर सकते हो ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर किया हुआ है उसे सब कुछ आता है लेकिन उसके पास पेपर अटम्पटेशन स्किल्स नहीं है तो वो स्टूडेंट आप लोग लिख के ले लो वो सिक्सटी से ऊपर जाएगा ही नहीं मैक्सिमम वो सिक्सटीज़ की लाइन में मार्क्स ले लेगा अगर बहुत ही जुल्म हुआ तो वो सेवेंटी वन सेवेंटी टू मार्क्स तक लेगा इससे ज़्यादा मार्क्स उसके नहीं आ सकते हैं ठीक है so सो आप लोग देखो इंग्लिश में आप लोग के पास जो पहला सेक्शन था वो होता है सेक्शन एम सी क्यूज़ होते हैं उसमें ट्वेंटी एम सी क्यूज़ होते हैं आप लोग कोशिश करो कि ये ट्वेंटी एम सी क्यूज़ जो है वो आप लोग ठीक कर लो ठीक है जिस तरह मर्जी है करते क्योंकि देखो इंग्लिश का पेपर सेक्शन बी और सी में मार्क्स आना मुश्किल है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप लोगों को बहुत से पापड़ बेलने पड़ेंगे तब जाकर सेक्शन बी और सी में मार्क्स आते हैं सेक्शन ई में आप सेक्शन ए में आप लोग ईजीली स्कोर कर सकते हो तो सो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग सेक्शन ए में जो है वो मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लो अगर आप ट्वेंटी मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अठारह उन्नीस तो लाजमी करो यहाँ से जब वक्त जिस वक्त आप लोग अठारह उन्नीस या बीस मार्क्स स्कोर करते तो आप लोगों को एक अच्छा खासा एज मिल जाता है ठीक है कि आप लोग एटी प्लस तक जाओ अगर आप लोग एम में जो है वो आठ दस एम गलत करके बैठ जाते हो या मोस्टली एम या मोस्टली स्टूडेंट्स सॉरी चार से पाँच एम सी से लाजमी गलत करते हैं तो मीन्स आगे जाकर उनको वो एक अच्छा खासा एज नहीं मिल रहा होता ठीक है फिर एट द एंड उनके सेवेंटीज़ की लाइन में मार्क्स आ जाते हैं या सिक्सटीज़ की लाइन में मार्क्स आ जाते हैं सो so एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो नंबर वन पहला जो है वो यही है कि आप लोग कोशिश करो कि सेक्शन ए में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ले लो अब दूसरी बात है आप लोगों के पास सेक्शन बी की करते हैं। अब सेक्शन बी जो है वो आप लोगों के पास जो है वो बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप लोगों के पेपर का ठीक है ये आप लोगों के पास फिफ्टी परसेंट ऑफ पेपर कॉन्स्टिट्यूट करता है ठीक है आप लोगों ने इस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो सेक्शन ए और बी अच्छा कर लिया तो वो ईजिली एटी प्लस तक जा सकता है या एटी फाइव तक या इवन तो नाइन्टी तक भी स्टूडेंट्स जाते हैं लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों का सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ठीक होने चाहिए सेक्शन सी में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो आप लोग करोगे तो ईजिली आप लोग ट्वेंटी प्लस स्कोर करके तो अपना मीन्स ओवरऑल नाइन्टी प्लस स्कोर कर सकते हो ठीक है अब सेक्शन बी के बारे में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हमेशा अपने जहन में रखो कि <coughs> आप लोगों ने पहले जो दो क्वेश्चन होते हैं पैराफ्रेज और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं और कोशिश करो कि इन क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल टॉप पर अटैम्प्ट करो ठीक है एग्जामिनर की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उसने ये दो क्वेश्चन चेक करने होते हैं जब आप लोग ये दो क्वेश्चन टॉप पर कर लोगे तो वो आप लोगों को मीन्स आसानी से मार्क्स दे देगा उसको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी कि वो आप लोगों के ये क्वेश्चन ढूंढे तो कोशिश करो कि हमेशा पहले इन दो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो अब पैराफ्रेज में आप लोगों ने क्या करना है उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखो पैराफ्रेज में आप लोग जस्ट सिंपल क्वेश्चन नंबर लिखो क्वेश्चन नंबर वन ठीक है नीचे हेडिंग दो पैराफ्रेज या आप लोग स्टेंजा नंबर जो भी है आप लोग उसका ए पार्ट अटैम्प्ट करते हो या बी पार्ट अटैम्प्ट करते हो जस्ट वो लिख लो अदरवाइज़ अगर वो नहीं लिखते तो आप लोग जो है वो उस स्टेंजा का स्टार्टिंग से थोड़ा सा लिख लो हिस्सा दरम्यान में एलिपसिस इल, और एट द एंड फिर जो है वो उस स्टेंजा का थोड़ा सा पार्ट लिख लो सो दैट एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ इस बच्चे ने कौन सा पार्ट जो है वो अटैम्प्ट किया है उसके बाद जस्ट सिंपल आप लोगों ने पैराफ्रेज की हेडिंग देनी है और फ़ाइव टू सिक्स लाइन्स इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना इस चीज़ को और जस्ट अपना जो है वो उस स्टेंसा को आप लोगों ने पैराफ्रेज कर लेना है बस ये आप लोगों का जो है वो एक पेज पे एक साइड पे जो है वो आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाएगा दैट इज़ इट इसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना स्टूडेंट्स इसमें पोइट का नेम पोएम का नेम या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख रहे होते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक डिफरेंट चीज़ है आप लोगों ने पैराफ्रेज वाले क्वेश्चन में जस्ट एक ही हेडिंग देनी है पैराफ्रेज बस और उसमें आप लोगों ने उसी स्टैंडा को जो है वो फ़ाइव टू सिक्स लाइन्स में एक्सप्लेन करना है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ऐड नहीं करनी मीनस बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट ऐड नहीं करना आप लोग जितना ज़्यादा इस चीज़ में कॉन्टेंट ऐड करोगे आपकी मिस्टेक्स होंगी तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है इसलिए छः छः चे लाइन छः लाइनें लिखता है और उसकी जो है वो एक भी गलती नहीं होती तो एग्जामिनर उसे पाँच मार्क्स भी देगा हो सकता है वो फोर पॉइंट फाइव भी दे लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है वो बहुत सहना सहना बनता है और उसमें आठ दस लाइने ऐड कर देता है और उसमें चार पांच गलतियां भी कर देता है तो एग्जामिनर उसे दो से तीन मार्क्स देगा इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा सो तो दो पहली चीज़ आप लोग सेक्शन बी में जन में रखो कि आप लोगों ने पैराफ्रेज वाले क्वेश्चन में सिर्फ पैराफ्रेज की ही हैडिंग देनी है नथिंग मोर देन दैट दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने जो है करना है वो होगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट वाला क्वेश्चन उसमें भी सेम आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर टू है या थ्री है जो भी है टू है उसके बाद आप लोगों ने स्टेंडजा का बताना है कि आप लोगों ने कौन सा स्टेंडा अटैम्प्ट किया है ठीक है आफ्टर दैट आप लोगों ने पहली हेडिंग जो देनी है वो होगी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ठीक है पहली हेडिंग होगी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट उसमें आप लोगों ने जस्ट पोइम का नेम पोइट का नेम मैंशन करना है ठीक है उसके बाद जो है वो आप लोगों ने दूसरे पैराग्राफ में उस पोइम के बारे में कुछ चार पांच लाइनें जो है वो ऐड कर देनी है दैट इज़ इट उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों हो हो की होगी वो होगी एक्सप्लेनेशन की फिर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में मैक्सिमम टू मिनिमम हम लोग कह सकते हैं कि दस से बारह लाइन्स ऐड करनी है सो so ये हो जाएगा आप लोगों के पास दो क्वेश्चन और ये लाजमी अटैम्प्ट करनी है और जिस तरह मैंने बताया इसी तरह ही ऐड करने हैं ठीक है अब ये जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना इसमें आप लोग एक्सप्लेनेशन वाली हेडिंग में कुछ कोटेशन भी ऐड कर लो तो आप लोगों का एक सॉलिड क्वेश्चन बन जाता है ठीक है आप लोगों को एग्जामिनर फोर पॉइंट फाइव मार्क्स या इस तरह समथिंग दे देगा अगर कोई स्टूडेंट जस्ट नॉर्मल अटैम्प्ट करता है कुछ ऐड नहीं करता कुछ हाईलाइट नहीं करता हाईलाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है हाईलाइट आप लोगों ने इन क्वेश्चन में लाजमी करना है दो तो तीन चीज़ें लाजमी हाईलाइट कर लेनी है सो so दैट एक अच्छा इंप्रेशन पड़े अगर आप लोग नॉर्मली जो है वो सीधी सीधी तरह इसको अटैम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर मैक्सिमम आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन में तीन तीन मार्क्स देगा इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा ठीक है सो आप लोगों ने हाईलाइटिंग करनी है एक अच्छा कंटेंट देना है स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो टेंस ग्रामर्स की मिस्टेक्स ना हो तो आप लोग ईजिली जो है वो इन क्वेश्चन में फ़ोर फोर मार्क्स या फ़ाइव फाइव मार्क्स ले सकते हो नॉर्मली जो एग्जामिनर होता है वो तीन तीन मार्क्स ही दे के जाता है लेकिन आप इन चीज़ों को जहन में रख के फ़ोर या फ़ाइव मार्क्स इन क्वेश्चन में ईज़िली ले सकते हो ठीक है अब हमारे पास उसके बाद जो बाकी हम लोगों ने आठ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं उसमें भी कुछ बातें हैं वो भी हम लोग जाके देखते हैं अच्छा आप लोगों ने पहले दो क्वेश्चन कर लिए उसके बाद आप लोगों ने अटैम्प्ट के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ठीक है अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल लेसन नेम ऑथर नेम चलो ये फिर कुछ हद तक ठीक है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतने पागल होते हैं कि वो थीम पहले लिखते हैं लेसन नेम ऑथर नेम उसके बाद थीम अब क्वेश्चन उसने मांगा हुआ है सिंपल क्वेश्चन है उसमें थीम लिखने की क्या तुक बनती है आप लोग मुझे ये बताओ इस्पेशली प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है वो स्टूडेंट्स है जो है वो लिखवा रहे होते इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसका नुकसान है इसका फ़ायदा कोई नहीं है नुकसान इसका ये फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को आथर नेम लेसन नेम नहीं याद और वो वैसे शोशियाँ मारने के लिए लिख देता है और वो गलत लिखता है तो उसका मार्क्स कटेगा ठीक है हालांकि इसके मार्क्स नहीं होते लेकिन जब आप गलत लिखते हो तो मार्क्स पर कटता है ये रूल है थीम जो है वो आप लोग ऐड करते हो अब स्टूडेंट्स हैं हम लोग इतने अंग्रेज़ के बच्चे नहीं हैं हम लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो हम हुआ कर देते हैं अब कोई स्टूडेंट थीम ऐड कर रहा है तीन चार गलतियाँ वो उसमें कर रहा है तीन चार गलतियाँ वो अपने मेन आंसर में कर रहा है छः सात गलतियाँ तो ओवरऑल ये हो गई तो एग्जामिनर उसको पाँच में सिर्फ एक या दो नंबर देगा इससे ज़्यादा मार्क्स वो उसे कभी भी नहीं देगा तो आप लोग कोशिश करो कि एक्स्ट्रा इ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग स्पेशली इंग्लिश और उर्दू के पेपर में ऐड ना करो ठीक है टू द पॉइंट रहो ठीक है इंग्लिश में अगर आप लोगों को लेसन नेम ऑथर नेम आता है तो आप लोग लिखो अदरवाइज़ नहीं आता तो ना लिखो इसके कोई मार्क्स नहीं है ये जस्ट हम लोग इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए लिख रहे होते हैं अगर नहीं आता और आपने गलत लिख लिया तो उसके मार्क्स कटेंगे अगर आपने लिख लिया लेकिन उसके मार्क्स नहीं है ये जैसा हम लोग इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए लिख रहे होते हैं सो so ये चीज़ आप लोगों को मस्ट क्लियर होनी चाहिए कि आप लोगों ने ये फजूल की चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं करनी स्पेशली थीम्स वगैरह ऐड नहीं करनी लेसन नेम ऑथर नेम फिर ये लिखा हुआ अच्छा लगता है ठीक है लेकिन ये थीम शीम ये चीज़ें ना लिखो टू पॉइंट जस्ट आंसर पर आओ क्वेश्चन नंबर अपना लिखो ऑथर नेम लेसन नेम अगर आपको याद है तो लिखो एक और अपनी जहन में चीज़ रखो ऐसा ना हो कि आप लोग किसी क्वेश्चन में जो है वो लेसन नेम या आथर नेम लिख रहे हो एक क्वेश्चन में नहीं लिख रहे दो में लिख रहे हो तीन क्वेश्चन में नहीं लिख रहे अगर आपको सारे क्वेश्चन का लेसन और ऑथर नेम आता है तब आप लोग लिखो अदरवाइज ऐसी गलती हरगिज़ नहीं करनी कि आप लोग कुछ क्वेश्चन में ऐड कर रहे हो और कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐड ही नहीं कर रहे ठीक है सो इस चीज़ से भी आप लोगों ने बचना है अब आप लोगों की बात करते हैं जो आप लोगों का मेन आंसर होता है अब मेन आंसर जो है वो आप लोगों का एक पेज हो पेज की जो एक साइड होती है ना वो हो ये मोर देन इनफ है इंग्लिश के पेपर के लिए अब उसमें आप लोगों के पास चाहे वो राइटिंग का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है प्रॉपर स्पेसिंग हो चीज़ें हाईलाइट हों कोटेशन एड हों उसमें तो ये आप लोगों के पास एक अच्छा खासा आंसर बन जाता है एग्जामिनर आपको चार से पाँच मार्क्स दे के जाता है अगर कोई स्टूडेंट बेहंगम तरीके से लिखता है स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं ठीक है उसने चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया होता एग्जामिनर उसे एक दो मार्क्स देता है इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देता सिंपल इज़ दैट तो आप लोगों ने प्रॉपर हाईलाइटिंग करनी है ठीक है कोटेशन्स अगर आप लोगों को आती हैं तो ऐड करो अदरवाइज़ ना ऐड करो कोटेशन कोई नंबर्स नहीं होते ये जस्ट हम लोग इंप्रेशन अच्छा डालने के लिए जो है वो ऐड कर रहे होते हैं और कोटेशन अगर फॉर एग्जांपल कोई आप लोग ऐड करते भी हो तो कोशिश करो कि आप लोग उसे ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखो ब्लैक मार्कर के साथ के बिना लिखो वो गंद मीन्स अच्छा नहीं लगता बहुत डार्क हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता आप लोगों ने कंट्रास्टिंग का खास ख्याल रखना है कोशिश करो कि आप लोग डार्क अगर आप लोगों की राइटिंग अच्छी है तो आप लोग डार्क पेन्स यूज़ करो ऐसे पॉइंटर्स यूज़ करो जो जिसकी लिखाई जो है वो डार्क हो मोटी लिखाई हो ठीक है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू दिस के आप लोग बाल पॉइंट बाल पॉइंट जब हम लोग लिखते हैं और हमारी राइटिंग जो है पेपर में ख़राब हो जाए तो वो टोटली एक रफ वर्क लग रहा होता है ठीक है पॉइंटर्स यूज़ करो अच्छे पॉइंटर्स यूज़ करो जिसकी लिखाई थोड़ी मोटी हो और कंट्रास्ट सामने पता चल रहा हो आप लोग फॉर एग्जांपल हाईलाइट हुए तो वो सामने क्लियर हो कि हाँ जी इस क्वेश्चन में ये ये चीज़ें हाईलाइटेड हुई हैं ये ये कोटेशनस ऐड हुई हैं तो आप लोगों के पास ये अच्छा खासा आंसर बन जाता है इसका जो फर्दर मीन्स अगर आप लोग मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कहा कि सब्जेक्ट uh, वाइज़ वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं ठीक है उसमें मैंने पेपर्स भी आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोगों ने ये कोटेशन हाईलाइटिंग वगैरह करनी है तो आप लोग वो वीडियोज जाकर लाजमी देखो मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हैं कि देर इज़ नो नी टू राइट थीम ये हम लोग बात कर चुके हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे है? पास ट्राई टू राइट ट्राई टू राइट यूर आंसर इन सिंपल वर्ड्स विदाउट एनी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स अब देखो आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर होता है ना मैंने आप लोगों को इसलिए कहा कि आप लोग इसमें ज़्यादा डिटेल ज़्यादा अवर राइटिंग न करो टू दी पॉइंट जाओ अपना जस्ट आंसर दो दैट इज़ इट ठीक है आप लोग जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे मुझे पता है ठीक है तो फिर उतने ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स कटेंगे टू दी पॉइंट रहो जो उसने क्वेश्चन में मांगा है जस्ट उसका आंसर दो अगर क्वेश्चन हाँ बहुत आंसर बहुत छोटा बन रहा है तीन चार लाइनों का बन रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली तीन चार लाइनें पाँच नंबर्स के लिए बहुत कम है फिर आप उसमें मटेरियल ऐड करो अदरवाइज उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करने की हरगे जरूरत नहीं है ठीक है दैट इज़ इट मेरे कहने का मतलब ये है कि टू दी पॉइंट रहो जितना आप लोग ज़्यादा इंफॉमेशन ऐड करोगे उतनी आप लोग गलतियाँ करोगे उतना आप लोग के मार्क्स कटेंगे ठीक है सो सिंपल इंग्लिश यूज़ करो और विच इज़ मीन्स वो मिस्टेक्स फ्री हो ठीक है नेक्स्ट कहता है कि ऐड कोटेशन हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात कर चुके हैं ठीक हो गया अब हमारे पास जो यहाँ पे आके ये सेक्शन सी की जो है वो कुछ बातें थी आप लोग इनका ख्याल रखोगे तो ईज़िली आप सेक्शन सी में फोटी फाइव प्लस मार्क्स तक स्क्योर कर सकते हो ईज़िली अब एक स्टूडेंट है उसने जो है वो फॉर एग्जांपल ट्वेंटी एम जो है वो ठीक कर ली हैं फोटी फाइव तक मार्क्स वो यहाँ पे ठीक करें तो मीन उसके सिक्सटी फाइव मार्क्स वो यहाँ हो गए अब जो सेक्शन सी है थर्टी मार्क्स का अगर वो उसमें ट्वेंटी मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो उसके एटी फाइव प्लस मार्क्स बन जाते हैं ठीक है अब सेक्शन सी में भी आप लोगों ने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है अब सेक्शन सी में फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमारे पास वा, जो वाइसिस और प्रपोजिशन इस तरह की चीज़ें होती हैं ना आप लोगों के पास सेक्शन सी में सेकेंड ईयर वालों के पास भी होती हैं तो आप लोगों उनको लाजमी अटैम्प्ट करो वो सॉलिड मार्क्स होते हैं आप लोगों को ईजीली मिल जाते हैं ठीक है एप्लीकेशन आप लोग लाजमी अटैम्प्ट करो उसका प्रॉपर आप लोगों को तरीका आना चाहिए एक एप्लीकेशन में आप लोगों का बॉडी ऑफ लेटर नहीं देखा जाता जस्ट आप लोगों का पैटर्न देखा जाता है दैट इज़ इट आप लोगों ने प्रॉपर वे में लिखा है तो आप लोगों को टेन में से आठ मार्क्स मिलते हैं नॉर्मली आप लोग जितना उसमें डिटेल ऐड करोगे आप लोगों की मिस्टेक्स होंगी तो आप लोगों के फिर मार्क्स कटते जाएंगे दो गलतियाँ करोगे तो सात नंबर मिलेंगे चार गलतियाँ करोगे तो छः मिलेंगे ठीक है छः गलतियाँ करोगे तो आप लोगों को तो पाँच मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग बेतहाशा गलतियाँ करते, हैं करते हैं, तो आप लोगों को वो दो से तीन नंबर देगा इससे ज़्यादा मार्क्स वो आप लोगों को कभी नहीं देगा सो लिहाजा आप लोग की जो एप्लीकेशन लेटर होता है इसमें आप लोग उसके पैटर्न का ख्याल रखा करो बहुत ज़्यादा डिटेल ऐड ना किया करो ठीक है और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका ऐसे होता है से, सेक्शन सी में जो तो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चौदह नंबर का होता है तो उसमें सिंपल यही है कि आप लोग जितना मर्जी उसमें लिख सकते हो लिखो मिनिमम आप लोगों के पास सात से आठ पेजेस जो है वो लाजमी हो ठीक है और उसमें कोटेशंस ऐड की हों आप लोगों ने प्रॉपर हाईलाइटिंग की हो मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों ने हाईलाइट किए हों तो आप लोग ईज़िल जो है वो बारह तेरह नंबर जो है वो उसमें ले सकते हो अगर किसी स्टूडेंट ने जो है बेहंगम तरीके से लिखा हुआ है उसे पता ही नहीं है कि ऐसे को स्टार्ट कहाँ से करूँ एंड कहाँ से करूँ ना वो कोटेशन ऐड कर रहा है ना वो चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है तो एग्ज़ामिनर उसे सात नंबर देगा आठ नंबर देगा इससे ज़्यादा नहीं देगा कभी भी बेशक उसने अच्छा खासा मटेरियल ऐड किया हो लेकिन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे हाईलाइटिंग करो कोटेशन ऐड करो बाकी जित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है डिफरेंट लोगों के सेंग्स होते हैं कोटेशन वो ऐड करो पोट्रीज अगर आप लोग ऐड कर सकते हो वो ऐड करो ठीक है अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हम लोग उर्दू इंग्लिश कैसे में उर्दू की पोइट्री ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते यार इंग्लिश का पेपर है उर्दू का पेपर नहीं है ठीक है सो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आ, करेक्टर और समरी जो है वो अटैम्प्ट करते हैं अब फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो मुझे पता है कि आप लोग इसमें मिस्टेक्स करोगे मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इसमें टेन में से सिर्फ छः मार्क्स ले लेते हैं तीन मार्क्स होते हैं समरी में आ जाते हैं तीन जो है वो उसके करेक्टर में आते हैं तो ओवरऑल छः मार्क्स चार नंबर जहाँ से आपके कट जाते हैं सो so आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही ना करो हाँ अगर आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर आप लोगों के पास ये अगर लास्ट चांस है तो फिर तो आप लोगों ने करना होगा अदरवाइज आई विल नास्ट आई विल नॉट सजेस्ट यू पीपल कि आप लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो ठीक है ऑन द अदर साइड हमारे पास जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो अब सेकेंड ईयर में हमारे पास करेक्टर uh, और सैमरी जो है वो एक इनका सेपरेट क्वेश्चन होता है ठीक है कम्बाइंड नहीं होता पार्ट ए भी नहीं होता सेकेंड ईयर में तो फिर आप लोगों से मैं यही बनूँगा कि आप लोग उसमें करैक्टर को लाजमी अटैम्प्ट करो करैक्टर में आप लोग जस्ट सिंपल कैरेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ हेडिंग्स की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो आप लोग दस बारह क्वालिटीज़ लिखो इन दी फॉर्म ऑफ हेडिंग्स आप लोगों को ईजीली जो है वो वो uh, अच्छे मार्क्स देकर जाएगा ठीक है समरी का मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग समरी अटैम्प्ट किया करो समरी आप लोग हरगेज अटैम्प्ट करो उसमें जस्ट आप लोगों के मार्क्स कटते हैं और अच्छे हाथ मार्क्स कटते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये चीज़ें जो है वो हो रही ही होती हैं तो वो एग्ज़ामिनर हार्डली आपको जो है वो आठ में से चार नंबर दे जा रहा होता है सो समरी को आप लोग अटैम्प्ट करो ठीक है करेक्टर को लाजमी अटैम्प्ट कर लो सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहा हूँ और मीन जिसमें आप लोग ईजीली जो है वो मार्क्स उठा सकते हो ठीक है सो ये था आप लोगों के पास ऑल अबाउट इंग्लिश पेपर आप लोग जो है वो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हो तो आप लोग ईजिल एटी एटी फाइव या अप टू नाइन्टी तक भी मार्क्स ले सकते हो अगर आप लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते आप लोगों की जितनी मर्जी अच्छी प्रिपरेशन हो आप लोग सिक्सटी से ऊपर मार्क्स हार्डली ले लोगे मैक्सिमम लोग सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव की बिटवीन लेते हैं हाँ अगर किसी ने बहुत ही जो है वो जुल्म किया तो वो सेवेंटी तक जाएगा सेवनटी वन टू तक जाएगा इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकता लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इन चीज़ों को फॉलो करता है बेशक उसकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो वो ईज़िली एटी तक स्कोर कर सकता है ठीक है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग इन चीज़ों का लाजम ख़्याल रखो और एक सैम्पल पेपर देखने के लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग वो भी देख लो ठीक है so सो इस तरह से आप लोग अपने इंग्लिश पेपर को अटैम्प्ट करो इन जो आप लोग अच्छा स्कोर करोगे हम तो लोग बात करते हैं इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर के बारे में देखो एज़ यूजल मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एम को प्रायोरिटी दो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आप लोगों के पेपर का हम लोग क्या करते हैं कि एम uh, सी को छोड़ देते हैं यही सोच रहे होते हैं कि पेपर से एक दिन पहले कर लूँगा लेकिन उस दिन हमारी रिविजन कम्प्लीट नहीं होती हम लोग इनको फिर इग्नोर कर देते हैं हम यही सोच रहे होते हैं कि चलो पेपर वाले दिन जो है वो सुबह उठ के मैं इनको पढ़ लूँगा एक मरत तो हो जाएगा कवर लेकिन मोस्टली यही होता है कि हम लोग सुबह भी एम सी क्यूज़ को कवर नहीं करते उनको छोड़ देते हैं यही सोच के हम लोग चले जाते हैं कि चलो इधर उधर से कर लूँगा लेकिन पेपर वाले दिन टू बी वेरी होनेस्ट उधर इधर उधर से नहीं होते अगर आप करते भी हो तो सारे एम नहीं कर सकते सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग एम को प्रायोरिटी दो ठीक है इनको साथ साथ करो बल्कि सबसे पहले आप लोग एम को पढ़ो जब आप लोग किसी चैप्टर की रिवीजन या प्रप्रेशन स्टार्ट करते हो तो पहले उसके एम को देखो ठीक है पाँच मिनट भी नहीं लगते आप लोगों के एम कवर हो जाते हैं और ये एम इतने मुश्किल होते भी नहीं है जस्ट आप लोग एक्सरसाइज से एम आते हैं बोर्ड में तो कम अज़ कम आप लोग एक्सरसाइजेज़ को तो कवर कर लो फिर जो दो तो तीन एम सी क्यूज़ या एकद एम सी क्यूज या वो चैप्टर के अंदर से आता है तो जब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कवर करते हो तो वो उसी में कवर हो जाते हैं सो so, लिहाजा आप लोग एम सी क्यूज़ पर फोकस लाजमी लो ठीक है देखो अगर आप लोग अपने जो छः पेपर्स से हैं सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर की बात करूँ आप लोग इसमें से एम सी क्यूज़ के जो मार्क्स हैं उनको ऐड करो तो ये वन हंड्रेड फोर या वन हंड्रेड सिक्स मार्क्स बनते हैं जो कि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है टू आपके ओवरऑल मार्क्स में सो लिहाजा आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट ना करो ठीक है इनको लाजमी कवर करो नेक्स्ट uh, हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में अब हमारे पास ये स्टमायत और पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है तो इसमें हमारी क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन इस तरह के चूज़ करते नहीं है uh, कि जिस तरह जिसमें जो है वो एग्जामिनर हमें ईजिली मार्क्स दे हम लोग जो है वो बेहंगम तरीके से या अपनी मर्जी से क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाते हैं फिर एट द एंड हमारे मार्क्स नहीं आते हम लोग यही समझ होते हैं कि पेपर तो मेरा अच्छा हुआ था लेकिन मार्क्स नहीं आए उसके पीछे रीज़न यही होती है कि आप लोगों की क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छी नहीं होती देखो आप लोगों के पेपर में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो और इस तरह के क्वेश्चन भी ऐड किए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिलते फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको नोट का बोला हो कि किसी टॉपिक पर नोट लिखना है तो अब नोट में बंदा क्या क्या लिखे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन से मार्क्स होना मुश्किल होता है ऑन द अदर साइड जिसमें आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों से उन्होंने डायरेक्ट इफॉर्मेशन मांगी हो जिस तरह आपसे कह सकता है कि ज़क़ात बताएं तो आप ज़क़ात आठ ही हैं अगर आप लोग आठ लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ऑन द अदर साइड अगर क्वेश्चन में आप लोगों को किस उसने कोई चीज़ स्पेसिफाई कर दिया जिस तरह पाकिस्तान स्टडी के पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि जंगलात के चार फ्वाद लिखो अब दिस मीन्स दैट आप लोग चार फायद लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ऑन द अदर साइड ये कि अगर इस तरह से आता है कि जंगलात के फ्वाद लिखो उसने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि कितने फायदे लिखो फिर उसमें आप लोग जितने मर्जी लिख लो वो आपका एक या आधा मार्क्स काट के जाएगा ठीक है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग पहले वो क्वेश्चन लाजमी कर तो जिसमें टू द पॉइंट या डायरेक्ट डायरेक्ट उसने आप लोगों को कोई चीज़ स्पेसिफाई करके बताइए कि हाँ ये चीज़ इतनी लिखो या समटाइम्स किसी क्वेश्चन में उसने जो है वो प्रॉपर दो हेडिंग्स का या एक हैडिंग्स का बताया था कि ये लिखो आप दिस मीन्स दैट अगर आप वो तो चीज़ लिखोगे तो आपको मार्क्स देगा ऑन द अदर साइड दिस कि आप लोग कोई इस तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जिसमें सिंपल किसी चीज़ पर नोट लिखना हो ठीक है तो वो नोट वाले क्वेश्चन पे अक्सर मार्क्स नहीं आते हाँ अगर आपको आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो और उसको अटैम्प्ट करने का भी फिर एक तरीका है आप लोग उसे प्रॉपर वे में जाकर अटैम्प्ट करो उसमें प्रॉपर हाइलाइटिंग करो हेडिंग्स दो इस तरह करते करते आप लोग कम से कम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो ठीक है इन दिस एंड डेट फिर आप लोगों की क्वेश्चन सिलेक्शन मेरे कहने का मतलब जस्ट ये था कि आप लोगों की क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप लोग हमेशा इस तरह का क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसमें आप लोग रिलिवेंट या एक अच्छा कॉन्टेंट ऐड कर सकते हो ठीक है इस तरह का क्वेश्चन हरगिज़ जो है आप लोग पिक ही ना करो सेलेक्ट ही ना करो जिसमें आगे जाकर आप लोग उसमें कॉन्टेंट ही ना ऐड कर सको ठीक है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ आप लोग क्या किया करो कि जब आप लोग को पेपर मिलता है तो आप लोग उसमें टिक करते हो ना कि लाइक कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है या किस किस को आप लोग पहले अटैम्प्ट करोगे तो हमेशा जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ दिया करो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसलिए का पेपर है टोटल सेवन क्वेश्चन आए हैं अब सेवन क्वेश्चन में से आप लोगों को चार क्वेश्चन बिल्कुल हंड्रेड परसेंट कन्फर्म आते हैं और आप उसमें ईजिली स्कोर कर सकते हो अब आप लोग क्या करोगे कि दो क्वेश्चन जो अच्छे वाले हैं वो अटैम्प्ट करोगे बिल्कुल टॉप पर फिर उसके बाद आप लोग वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो कि आपको सही से नहीं आता आपने पांच क्वेश्चन तो पूरे करने हैं तो आप लोग उस क्वेश्चन को मिड में ऐड करो फिर उसके बाद जो आपके फर्दर दो अच्छे क्वेश्चन बच जाएंगे उसको आप एंड में ऐड करो इस आपके पाँच क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एग्जामिनर क्या है उसकी ये जहन बना होता है कि हमारे पास स्टूडेंट uh, हमेशा चाहे वो लास्ट में वो क्वेश्चन करता है जो उसे सही से नहीं आता फिर जब एग्जामिनर जो है वो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन सही तरह से चेक करने की कोशिश करेगा और उसमें वो गलतियां निकालने की कोशिश करेगा लेकिन आपको तो वो हंड्रेड परसेंट आता था आप लोग उसको आप लोगों ने उसे सही तरीके से अटम्प्ट किया हुआ था तो वो गलती नहीं निकाल सकती है एंड दिस एंड रेट पर आप लोग अपने मार्क्स यहाँ से सेव कर सकते हो ऑन द अदर साइड दिस कि अगर आप वही जो आपको क्वेश्चन सही तरह से नहीं आता था, था अगर आपने वो लास्ट पे अटैम्प्ट किया एग्जामिनर उसमें कोई ना कोई गलती पकड़ लेगा और वो आपके मार्क्स काट लेगा सिंपल इज़ दैट चले लिहाजा ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग एक अच्छा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लास्ट के लिए में छोड़ा करो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी आपको मैं आगे जाकर ये चीज़ बताऊँगा कि आप लोग कम अज़ कम फिजिक्स या केमिस्ट्री में या इस तरह सम टाइम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में तो वो आप लोग लास्ट में अटैम्प्ट किया करो ठीक है क्योंकि लास्ट में चांसेस होते हैं कि आपसे आप एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स काट ले ठीक हो गया अब नेक्स्ट स्पेशली हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लाम में स्टूडेंट्स के पास सिर्फ दो घंटे होते हैं अब अक्सर स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमारे पास वो क्वेश्चन uh, आंसर्स की लेंथ कितनी रखें एक uh, अच्छी लेंथ कितनी होनी चाहिए ठीक है देखो आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास एक तो क्वेश्चन uh, में एरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी ठीक है ए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग ऐड नहीं करोगे तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम जो है वो सेव हो सकता है हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इफारमेशन ऐड करते जाते हैं एड टाइम हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा आप लोग टू तो द पॉइंट जाओ जो जो चीज़ उसने डिमांड की हो या आप लोग वो लिखो आप लोगों के पास कंप्लीट टाइम आप लोग पूरा कर लोगे ऑन द अदर साइड दिस कि आप लोग इरेलीवेंट इफार्मेशन ऐड करो तो उस तरह से करते करते आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा या आप लोग लिखते ले लो लिहाजा टू द पॉइंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इरेलीवेंट नहीं जाना ठीक है सेकेंड थिंग का सेट आप लोगों ने हाई करनी है अब जिस तरह इस्लामियात के पेपर में आप लोग आयात को अहदीस को हाईलाइट कर सकते हो ठीक है मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया कि आप लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आयात और अहदीस ऐड करनी है अपने इस्लमियात के पेपर में जितनी ज़्यादा आप लोग आयात और अहदीस के तर्जुमे ऐड कर सकते हो तो आप लोग कर लो ठीक है और अगर आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये अरबी की वो स्टेटमेंट याद है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो उससे एक और अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है ठीक है लेकिन अगर आप लोग वो नहीं लिख सकते तो गलत लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोग जैस सिंपल तर्जुमा की हेडिंग दो और नीचे तर्जुमा लिखो और जब भी आप लोग तर्जुमा या अदीस का कोई सॉरी आयत या अहदीस का तर्जुमा लिखो तो उसका सेंट्रलाइज कर लिखो जिस तरह से डेफिनीशन आप लोग पेज के सेंटर में लिखते हो ठीक है उस लगा के देखो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देता है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग आयात और हदीस के तर्जे में एड करो या आप लोगों अच्छा को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर आपको ईजिली मार्क्स देकर जाएगा ठीक है फिर उनको हाईलाइट भी करो ठीक है आप लोग आयात और हदीस को ब्लैक मार्कर के साथ अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप लोग मार्कर के साथ लिख लो अगर अच्छी नहीं है तो आप लोग पेन यूज़ करो ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो ठीक है और फर्दर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की चीज़ आ गई आप लोगों के आंसर्स में उसको हाईलाइट करो क्योंकि वहाँ पर जब बोर्ड में पेपर चेक हो रहे होते हैं तो एग्जामिनर सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहा होता वो जस्ट हाईलाइटेड जो चीज़ें होती हैं वही देख रहा होता है फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है वो हाईलाइट नहीं कर रहा उसने अच्छा मटेरियल ऐड किया हुआ लेकिन उसने कोई हाईलाइटिंग नहीं की जस्ट सिंपल कहानियाँ लिखी हुई हैं ठीक है एग्जामिनर क्या करेगा उसे देखेगा अब उसने पढ़ना तो है नहीं ओवरऑल उसे अच्छा नहीं लग गया तो वो मार्क्स नहीं देगा ऑन द अदर साइड दिस कि अगर आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं भी है लेकिन आपने प्रॉपर हाईलाइट किया चीज़ों को स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है तो वो आपको मार्क्स दे के जाएगा ठीक है so, सो लिहाजा आप लोगों ने हाई लाइटिंग लाजमी करनी है सारी चीज़ हाईलाइट बेशक ना करो कुछ कुछ कम अज़ कम आप लोगों के एक आंसर में चार से पाँच चीज़ें लाजमी हाई लाइटेड हों ताकि एग्जामिनर की नज़र डायरेक्टली उन चीज़ों पर पड़े और वो आप लोगों को पाँच में से पाँच मार्क्स दे कर जाए ठीक है so, सो लिहाजा आप लोगों ने हाई अगर आप लोग पाँच चीज़ें भी हाईलाइट नहीं कर सकते तीन से चार भी कर लो दो से तीन भी कर लो लेकिन लाजमी हाई करो ठीक है आप लोग ब्लू पेन से लिख रहे हो तो एक अच्छा पॉइंट या कोई इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग उसको ब्लैक से लिख लो ये हाईलाइटिंग होती है बेसिकली ठीक हो गया नेक्स्ट कहता है कि मेरे पास ट्राई टू राइट आंसर हाँ अब लेंथ कितनी हो क्वेश्चन आंसर्स की अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग लिखाई छोटी होती है कुछ लोगों की बड़ी होती है अब जिन लोगों की फॉर एग्जाम्पल छोटी लिखाई है तो वो क्या करें कि अगर वे पे, एक पेज है ना उसकी दो साइड्स पे लिखें तो दिस इज मोर देन या फिर आपका ये अच्छा आंसर है ऑन द अदर साइड अगर कि कोई स्टूडेंट है जिसकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है लिखाई थोड़ी बड़ी है तो वो uh, <coughs> दो पेजेस पर मीन्स Uh, या हम लोग कह सकते हैं कि थ्री uh, पेज की थ्री साइड्स उतना लिख लें ठीक है दिस इज़ मोर देन इनफ अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बढ़ी जाए तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बड़ा बड़ा लिखते हैं और लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर पागल नहीं होता उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे की राइटिंग बड़ी है या छोटी है ये क्या कर रहा है ठीक है वहाँ पे सारा कुछ पता चल रहा होता है सो so, लिहाजा आप लोग मिनिमम थ्री साइड्स लिखो अगर आपकी राइटिंग दरमियानी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना बहुत ज़्यादा छोटी है और मैक्सिमम फोर साइड्स लिखो ज़्यादा ना जाओ ठीक है क्योंकि आप लोगों के आप लोग जितना मर्जी ऐड कर लो मटेरियल आप लोगों को उसने मार्क्स पाँच में से ही देने हैं ठीक है ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है वो दस पेजेस लिखे होंगे वो आपको दस मार्क्स देगा नो मार्क्स उसके पाँच ही हैं बेशक आप जितना मटीरियल ऐड करो आप लोग बस जब आंसर लिखो ना तो आप लोग खुद उसको वैल्यूएट करो कि क्या आपने आंसर में इतना कुछ मटेरियल ऐड किया कि एग्जामिनर आपको पाँच मार्क्स दे अगर आप सेटिस्फाइड हो तो बस फिर उस वहाँ पे उस आंसर्स को एंड कर दो ठीक है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर लिखो लेकिन एक बेस्ट और ये एक एफिशेंट लेंथ यही है ठीक <coughs> है मिनिमम थ्री और मैक्सिमम फोर इससे ज़्यादा एग्जीड ना करो ठीक है नेक्स्ट कहता है डोंट अवर एग्जीड योर आंसर जस्ट राइट योर आंसर फॉर फाइव मार्क्स ट्राई टू सेव मोर टाइम फॉर यूर लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है आप लोग क्वेश्चन का ज़्यादा एक ना करो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जब मैंने फर्स्ट टाइम नाइथ का एग्जाम दिया था तो मेरे साथ ये सीन हुआ था मैंने सारा टाइम शॉर्ट क्वेश्चन को दे दिया था लॉन्ग के लिए मेरे पास टाइम नहीं था आई थिंक हार्डली मेरे पास ट्वेंटी फाइव मिनट्स थे और दो लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे उन, उनके फर्दर दो दो पार्ट्स थे तो मेरे कहने का मतलब जस्ट यह है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन का ज़्यादा टाइम ना दो हम लोग क्या करते हैं स्पेशली जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर हो रहे होते हैं और उनका पहला प्रसाद याद का होता है तो वो यही मिस्टेक करते हैं ठीक है सो तो लिहाजा आप लोगों लो ने शार्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोग उसमें रिलेवेंट इन्फार्मेशन दो टू तो पॉइंट दो थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग करो एक आ, एक नॉर्मल सी आइडियल सी उसकी लेंथ हो तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा शार्ट में इजिली जो मेन चीज़ होती है वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट शार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें मटीरियल भी ऐड कर लेते हैं आखिर में उनके पास लॉन्ग के लिए टाइम नहीं होता और एग्ज़ामिनर मार्क्स काटता भी लॉन्ग में हालांकि आपको ज़्यादा फोकस लॉन्ग पर करना चाहिए शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है ये नहीं कहता कि शॉर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोगों को हर एक चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है ये नहीं कि आप लोग एम छोड़ रहे हो शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो फोकस नहीं कर रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तीनों सेक्शंस को जो है वो आ, फोकस करना है तब जाकर आप लोगों को एक अच्छा स्कोर आएगा अगर आपका कोई एक भी सब्जेक्ट सॉरी एक भी सेक्शन जो है वो अंडर एस्टिमेट हुआ तो आप लोगों के मार्क्स ओवरऑल कट जाएंगे कुछ स्टूडेंट्स सेक्शन ए बी को इंपॉर्टेंस देते हैं सेक्शन सी अच्छा से परफॉर्म नहीं करते मार्क्स उनके नॉर्मल से मार्क्स आते हैं फोर्टी मार्क्स आ गए फोर्टी आ गए लेकिन अगर आप तीनों सेक्शन को अच्छी तरह से करोगे तो आप लोग फोटी एट फोर्टी नाइन भी स्कोर कर सकते हो इन दो सब्जेक्ट्स में ठीक है लॉन्ग की बात करूँगा लॉन्ग में यही बोलूँगा कि आप लोग मैक्मम टू मैक्मम एट्रिकल ऐड करो ठीक है इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट दो ये नहीं है कि लॉन्ग है आप लोग उसकी लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए रेलिवेंट लिखो ठीक है एग्जामिनर का पता चल जाता है ठीक है आप लोग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दो उसको बेशक आप मजीद एक्सप्लेन कर लो लेकिन रिलिवेंट इन्फार्मेशन को एक्सप्लेन करो स्टूडेंट्स क्या करते हैं रिलिवेंट लिख के उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं फिर एट एंड कहते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स मेन हेडिंग आप लोग हमेशा ब्लैक मार्कर से दो ठीक है सब हेडिंग्स हमेशा आप लोग ब्लू मार्कर से दो एक अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है ठीक है नेक्स्ट कहते हैं लॉन्ग आंसर शुड बी मोर देन फाइव साइड्स ऑफ योर पेजेस देखो आपको लोग कि अगर नॉर्मल राइटिंग है ना तो आप लोग फाइव पेजेस फाइव एक पेज होता है ना उसकी दो साइड्स होती हैं टोटल अगर आप फाइव साइड्स भी लिखो ना मींस टू पॉइंट फाइव पेजेस तो एक बेस्ट है मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम आप लोग जितना लिख सकते हो लिख लो ठीक है बस इन इन एंड ड आप लोग ईजीली पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात में फोटी एट फोर्टी नाइन स्कोर कर सकते हो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पेपर इसमें जो सेक्शन ए है एम सी क्यूज इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कम अज़ कम इस पॉइंट पर आप लोगों का ये जो है वो एम सी टीज़ के इंपॉर्टेंस का जो है वो अंदाज़ा हो जाना चाहिए सेक्शन डी जो है वो आप लोगों का मेन सेक्शन होता है ठीक है इसमें भी क्वेश्चन सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है ठीक है अब क्वेश्चन सिलेक्शन पर भी हम लोग बात कर हैं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट जिसमें आप लोगों से वो डायरेक्टली कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स में वो आपसे कह सकता है कि राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स तो दिस मीन्स डेट आप लोग सॉलिड की फोर प्रॉपर्टीज़ लिखोगे तो आपको मार्क्स देगा ठीक है ऑन द अदर साइड हम लोग साइंसेस सब्जेक्ट्स uh, के हवाले से बात करें देखो आप लोग अगर आंसर्स uh, में जो है वो मैथमेटिकली फॉर्म्स मैथमेटिकली रिलेशन मैथमेटिकली प्रूफ मैथमेटिकल कंक्लूजनस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्विजन्स फ़िगर्स या डायग्राम्स एड करते हो ना तो आप लोगों के ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि एग्जामिनर वो आपको मार्क्स दे इजिली ठीक है सो लिहाजा आप लोग वो क्वेश्चन लाजमी अटैंड करो जिसमें आप लोग ये चीज़ें ऐड कर सकते हो ठीक है जब आप लोग ये चीज़ ऐड करते हो तो आप लोगों को एग्जामिनर जो है वो ईज़िली मार्क्स दे देता है सो लहसा ट्राई टू अंडरस्टैंड आप लोग ये चीज़ ऐड करो इन आप लोगों को जो है वो उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे स्पेसिफिकली फिज़िक्स की बात करूँ तो आप लोग फिजिक्स में अगर किसी क्वेश्चन में मैथमेटिकली स्टेप्स मैंशन करते हो तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देखा जाता है वो उसको ओवरऑल ऊपर से देखता है कि हाँ यार इसने मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूफ किया हुआ दिस मीन्स दैट ये एक आ, अच्छा बच्चा है और इसने मीनस मैथमेटिकल स्टेप्स मैंशन किए हैं ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो आपको मार्क्स देगा बाकी आपका कुछ चीज कुछ भी चेक नहीं करेगा ठीक है इस तरह केमिस्ट्री में अगर आप लोग रिएक्शंस ट्रेंड्स केमिकल इक्वेशन ये चीज़ें ऐड करोगे किसी आंसर में तो एग्जामिनर को जो है वो पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को क्वेश्चन आता है वो आपको मार्क्स दे के जाएगा बायोलॉजी के पेपर में आप लोग डायग्राम्स वाले क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप लोग डायग्राम्स या वो बना सकते हो ठीक है तो वो आप लोग क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करो और और अगर हम लोग, लोग बात करें तो आप लोगों के पेपर में बायोलॉजी के पेपर में थ्री टू फोर डायग्राम्स मस्ट हों ये चीज़ प्रूफ है मैंने खुद ये चीज़ इम्प्रूवमेंट का मैंने एग्जाम दिया था एंड उसमें मैंने फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी मैंने थ्री टू फोर डायग्राम्स ड्रा की थी और मेरे नाइन्टी प्लस मार्क्स हैं सो so, आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो कि डायग्राम्स लाजमी बनाओ ठीक है दो से तीन डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो जिस तरह सेकेंड ईयर में हमारे पास न्यूरान नेफ्रॉन ब्रेन ये जो थोड़ी बहुत डायग्राम्स आप लोग बस प्रैक्टिस कर लो एंड पेपर में बना लो पेपर में ये नहीं कि आप लोगों ने एक अच्छी डायग्राम ही बनाओगे तभी नो आप लोग रफ रफ्सिक डायग्राम बनाओ उसको लेबल करो तो बेस्ट है ठीक है आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा ठीक है सो लिहाजा आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आप लोग ईजिली जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो नैक्स्ट रिलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ऐड नहीं करनी इस पर भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ठीक है थीके? आप लोगों ने हमेशा जो है वो स्ट्रिक्ट टू द मेन पॉइंट तो आप लोगों का मेन टॉपिक है उस उससे बाहर नहीं जाना ठीक हो गया डोंट ओवर एग्जीड योर आंसर अपने आंसर को कहता अवर एग्जीड नहीं करना मीन बोझ देंथ दे भी एड नहीं करनी ये ना हो कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आठ पेजेस का लिख रहे हो नौ no, ये गलत है मार्क्स उसके चार हैं आपको ये नहीं है कि आप लोग आठ पेजेस लिखोगे तो आपको आठ मार्क्स मिलेंगे मार्क्स फिर भी आपको चार ही मिलेंगे सो so, लिहाजा इतना क्वेश्चन अटैंड करो कि बस एग्जामर आपको चार मार्क्स देते नथिंग मोर देन देट ठीक है नेक्स्ट हो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ है वो आप लोग के पास टू थ्री या मैक्सिमम फोर पेजेस हो सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं टू से कम नहीं और फो से ज़्यादा नहीं बस इसके इन बिटवीन इन बिटवीन रहकर आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो ठीक है अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में मैथमेटिकली मैथमेटिकल रिलेशन इक्वेशन और डाइग्राम्स ऐड करते हैं तो आप लोगों को फर्दर ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है दिस मीनस डेट आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर ली कि हाँ आपको आंसर आता है ठीक है आप लोग बस उसमें थोड़ी बहुत रेलिमेंट इन्फॉर्मेशन दो बस क्वेश्चन को वाइंड अप करो जिसमें बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल आपको जो है वो उसने तो कोई नोट दे दिया है न्यूरॉन की टाइप्स पर ठीक है या नेफ्रॉन के बारे में आप लोग थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉमेशन दो जो कि क्वेश्चन में उसने डिमांड की है लेकिन जब एट द एंड आप लोग नेफ्रॉन या न्यूरॉन की डायग्राम बना दोगे तो आप लोग उस बस आप लोगों का वहाँ पर क्वेश्चन एंड हो जाएगा ठीक है मीनस आप लोगों को जो ईज़िली मार्क्स वो दे देगा बेशक आपने ज़्यादा इन्फॉमेसन ऐड ना की हो लेकिन आपने डायग्राम बनाकर ये चीज़ प्रूव कर, कर दी कि आपको आज दी हैं चीज़ें ठीक है सो लिहाजा अगर आप लोग इस तरह की चीज़ ऐड करते हो तो ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बायोलॉजिकली डायग्राम्स की लेबलिंग मस्ट है ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ ऐसा ना हो कि आप लोग जस्ट सिंपल डायग्राम्स बना कर आ जाओ नो no, डायग्राम्स के साथ लेबलिंग भी करो बेशक बहुत ज़्यादा लेबलिंग ना करो कम से कम पाँच छः चीजें तो उसको लेबल करके आओ ठीक है प्लांट सेल आप ड्रा कर रहे हो एनिमल सेल आप ड्रा कर रहे हो ह्यूमन हेरिट आप ड्रा कर रहे हो ठीक है तो उसकी लेबलिंग मस्ट है लेबलिंग करोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्राई टू आंसर यूर क्वेश्चन अब अच्छा अभी जो साइंस के सब्जेक्ट्स ना आप लोगों ने दस शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आप लोग कोशिश करो कि आठ से दस मिनट में एक शार्ट क्वेश्चन लाजमी आप लोग लिख लो ठीक है आप लोगों की स्पीड कम अज़ कम इतनी होनी चाहिए तब जाकर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम दे पाओगे अदरवाइज़ आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा ठीक है अब हमारे पास जो सेक्शन ए होता है उसमें आ, वैसे वो बीस बीस मिनट्स का होता है लेकिन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते करते क्योंकि समटाइम्स हॉल जो है वो कुछ लोगों के इंस, इंस्टीट्यूट्स में हॉल जो है वो बड़े होते हैं वो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है तो आप लोग दस मिनट तो हम वहाँ वहाँ पर अपने ज़ाया समझो ठीक है आप लोगों को साढ़े बजे पेपर मिलता है सब्जेक्टिव ठीक है दस मिनट आपके वहाँ पर ज़ाया हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों ने आठ से दस मिनट के अंदर अंदर जो है वो एक क्वेश्चन को लिखना है तब जाकर आप लोग अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे अदरवाइज़ आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा ठीक है तो लिहाजा इस चीज़ पर आप लोगों ने लाजमी जो है वो ख्याल करना है नेक्स्ट <laughs> मेरे पास कहते हैं कि ट्राई टू आंसर यू क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स अब हेडिंग्स का मतलब भी ये नहीं है कि आप लोग इरेवेंट हेडिंग्स ऐड करते जाओ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कहते हैं कि उनके जमे में बैठा होता है कि हम लोग जितनी ज़्यादा हेडिंग्स देंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे अगर हम लोग एक हेडिंग देंगे तो एक नंबर आएगा चार हडिंग्स देंगे चार नंबर आएगा दस हडिंग्स देंगे दस नंबर आएंगे ऐसी बात नहीं है ये गलत कॉन्प्ट है हेडिंग्स हो लेकिन रेलिटेंट हेडिंग्स हो ये नहीं कि आप लोग बेहंगम तरीके से बिल्कुल इरेलीवेंट हेडिंग्स देते जाओ हेडिंग्स दो हेडिंग्स देने से मना नहीं कर रहा लेकिन कुछ सेंस हो ना हेडिंग्स का ये नहीं कि आप लोग फजूल में जस्ट हेडिंग्स ही देते जाओ ठीक है so, सो लिहाजा आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है नेक्स्ट uh, हमारे पास जो तो सेक्शन सी होता है तो उसमें भी आप लोगों ने बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है ठीक है उसमें क्वेश्चन लेंथ आप लोगों की मैटर करती है थोड़ी बहुत ज़्यादा कर लो फाइव पेजेस कर लो और लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम आप जो है वो बीस uh, मिनट दो लेकिन बीस मिनट में आप लोगों ने फर्दर फिर उसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करो क्योंकि समटाइम्स आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दो दो पार्ट्स होते हैं बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक एक ही पार्ट होता है Uh, लेकिन आप लोगों के पास जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का होता है इसमें आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन के दो दो पार्ट होते हैं तो so, लिहाजा आप लोगों ने फिर उस तरह से टाइम को डिवाइड करता है और उसके अकॉर्डिंगली जाना है ठीक है सो ये थाल अबाउट अवर पेपर प्रेजेंटेशन उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा अगर आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को लेकर चलते हो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हो, हो तो आप लोग ईज़िली जो है वो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में ठीक है मैंने इन पॉइंट्स का ख्याल रखा था एंड राउंड अबाउट मैंने जब इंप्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट पहले ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी लेकिन जब बाद में वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस होता है बंदे को तो मैंने इंप्रूवमेंट में जो है वो तीन पेपर इंप्रूव करके कर मैंने नाइन्टी मार्क्स इंप्रूव किए हैं ओवरऑल तो आप लोग भी कर सकते हो अगर आप लोग इंप्रूवर हो या फ्रेशर हो तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रख के इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो ठीक है स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो थैंक यू